भारत का मीडिया किसी भी मुद्दे को मुसलमानों की ओर खींचकर भटकाने में माहिर है। अब मनुवादी मीडिया ने दिल्ली की तबलीगी जमात को कोरोना के लिए जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात में मरकज में कई कोरोना संदिग्ध मिले हैं, इसमें सैकड़ों विदेशी लोग भी शामिल हैं। मुसलमानों की इस जमावड़े को लोग कोरोना जिहाद का नाम दे रहे हैं, लेकिन क्या ये मुसलमानों के प्रति पूर्वाग्रह नहीं है? मैं साकिब शेख दशुद्रा के माध्यम से निजामुद्दीन को लेकर आज हम पूछेंगे प्रशासन से कुछ कड़वे सवाल। जी हाँ, क्या गलत किया तबलीगी जमात वालों ने कोरोना के फैलाव के लिए? क्या यही लोग जिम्मेदार हैं? क्या इनका कसूर सिर्फ इतना है कि इन्होंने लॉकडाउन के उस दिशा निर्देश का पालन किया जिसमें कहा गया है जो जहां रहे वो वहीं रुका रहे? क्या निजामुद्दीन में फंसे विदेश से आए सभी लोगों को पैदल ही अपने देश निकल लेना चाहिए था, जैसे दिल्ली यूपी बॉर्डर पर लोग घरों के लिए निकल पड़े थे? लॉकडाउन के बाद से ही तबलीग जमात मरकज के जिम्मेदार खुद ही मरकज को शटडाउन की तैयारी कर रहे थे, क्या ऐसा करना गलत था? 24 से लॉकडाउन लागू है, 23 मार्च को ही 1500 से ज्यादा लोगों को मरकज से हटा दिया गया, क्या ये कोरोना को लेकर इनका उदासीन रवैया दिखता है? 24 तारीख से जैसे ही लॉकडाउन लागू हुआ, मरकज से लोगों को शिफ्ट करने के लिए एसडीएम से व्हीकल पास की मांग भी की, जो मिला नहीं, क्या ये भी इनकी गलती है? विदेश से आए जो भी मेहमान तबलीग जमात मरकज में ठहरे हुए थे वो कोई घुसपैठिए नहीं थे, बल्कि वैलिड वीजा और पासपोर्ट पर आए थे। भारत सरकार के सभी नियमों का पालन करते हुए रहे थे ये यहां पर, फिर लॉकडाउन के बाद ये कहां जाते? क्या सरकार को इनकी शुद्ध नहीं लेनी चाहिए थी? तबलीग जमात के लोग, चाहे वो भारत के हों या दूसरे मुल्क के भारत आए लोग, सभी मुसलमानों के बीच रहकर इस्लाम की दीन की बातें करते हैं, क्या ऐसा करना हमारे देश में कानूनन अपराध है? जो लोग कोरोना के नाम पर तबलीग जमात पर सवाल खड़े कर रहे हैं, दरअसल ऐसे ज्यादातर लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। कुछ एक धर्म विशेष से नफरत करने की अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कुछ खुद को ज्ञानी साबित करने के लिए इन्हें बेवकूफ लिख रहे हैं। कोरोना की आड़ में तबलीग जमात पर लिखने बोलने वाले सभी गिफ्ट ब्रिगेड पत्रकारों, लश्करे नोएडा के चाटुकारों और खुद को प्रोग्रेसिव साबित करने की होड़ में लगे बिरादराने वतन से पूछना चाहूंगा, ब्रिटेन के पीएम, स्पेन की राजकुमारी और हॉलीवुड एक्टर और इजराइल के पीएम, क्या इन सभी को कोरोना वायरस निजामुद्दीन मरकज से ही पहुंचा है? और आखिर में एक बात और, जिस तरह से भारत में लॉकडाउन हुआ है उसके बाद लोग किस डर से दर्द से जी रहे हैं, ये हमने दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर देखा है। ये सभी अपने देश के थे, निजामुद्दीन में जो बेचारे विदेशी फंस गए उनके दर्द का भी एहसास कीजिए, उन्हें हमारी मदद की जरूरत है, ना कि एफआईआर की जरूरत है। अगर एफआईआर सही है तो कीजिए उन हजारों लोगों पर भी जो लॉकडाउन के बावजूद दिल्ली बॉर्डर से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में चलते रहे हैं, क्या उनके खिलाफ एफआईआर कर पाएंगे आप? जो लोग भी सवाल उठा रहे हैं वो निश्चित तौर पर कोरोना को लेकर गंभीर होंगे, लेकिन आपकी गंभीरता तब तक अधूरी है जब तक आप सरकार से ये नहीं पूछते कि एयरपोर्ट सील करने में देरी क्यों की गई, वेंटिलेटर कहाँ है, लोग पलायन क्यों कर रहे हैं। बात यही खत्म नहीं होती, कुछ सवाल अब हुक्मरानों से भी होने चाहिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भरोसे दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था है। कोरोना वायरस को लेकर उनकी सरकार ने क्या कदम उठाए? उनकी जानकारी देने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन उनके प्रशासन ने समय रहते यहां इकट्ठा लोगों को कहीं आइसोलेशन में क्यों नहीं भेजा? शाह के मंत्रालय के पास इस बात की पूरी जानकारी थी कि विदेश से इतनी बड़ी संख्या में नागरिक इकट्ठा होते हैं,
तो फिर इस खतरे को देखते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए इनको लॉकडाउन के ऐलान के बाद क्वारंटाइन क्यों नहीं किया गया। गृह मंत्रालय की ओर से भी बड़े बड़े दिशा निर्देश आ रहे हैं, तो विदेशियों की आवाजाही और यहाँ भीड़ की जानकारी होते हुए भी उदासीनता क्यों बढ़ती गई। जब कई महीने से बात सामने आ रही थी कि कोरोना विदेशी लोगों से आ रहा है, तो सरकार ने विदेशी लोगों का वीजा रद्द क्यों नहीं किया। सवाल तो मरकज के आयोजक से भी है, एहतियातन उन्होंने कार्यक्रम को रद्द क्यों नहीं किया। ऐसे वक्त में उन्हें भी अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय भी हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिन भर की जानकारी देता है, लेकिन क्या उसके अपने स्थानीय स्वास्थ्य कर्मी और अधिकारी पूरी तरह से फेल साबित हुए। निजामुद्दीन इलाके के नगर निगम को इस बात की पूरी जानकारी रहती है कि उस इलाके में कौन कौन आता है, लेकिन वो इस मामले में पूरी तरह से फेल साबित हुए। क्या स्थानीय विधायक, सांसद और पार्षदों ने भी इस बात को गंभीरता से लिया? जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आम लोगों को भी इस बीमारी के बारे में जागरूक करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद जमील बस्ती निजामुद्दीन मरकज के करीब में रहने वाला आदमी। मैं जो भी आप लोगों का प्रोग्राम देख करके इसके विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। मरकज के पक्ष के अंदर इसको जो इस तरीके से गलत मौजू पे लेके जाया जा रहा है, इस तरीके की कोई बात नहीं है। प्रशासन से होते हुए जिस तरह प्रशासन ने कहा उस तरीके से हमने डील करा है। इस पर हमारे पास लिखित में राइटिंग में भी है, जैसे प्रशासन ने पुलिस ने हमसे डायरेक्शन दी उसके हिसाब से हमने पुलिस उसी दायरे में रह करके काम करा। कुछ लोग, बहुत सारे लोग जो आए हुए थे उनके यहाँ से लॉकडाउन टाइम के ऊपर रुक गए, बाकी जिसको जाना था जिसको तरीके से जाने की सुविधा थी उस तरीके से यहाँ से भेजा भी गया। कई हजार आदमियों के यहाँ से जाने की खबर भी है और कुछ ना लॉकडाउन टाइम की वजह से कहाँ रोकते कहाँ पे नहीं। मरकज के अलावा कोई जगह तो है नहीं। काली मस्जिद है यहाँ पे इतनी बड़ी, वहाँ भी लोग बाग आके ठहरते थे, लेकिन वहाँ पे पुलिस ने आके कहा कि भाई यहाँ पे पब्लिक, यहाँ किसी आदमी को, मरकज के आदमी को ठहराना मत। काली मस्जिद एकदम सील कर दी गई, वहाँ पे लोगों को आगे ने ठहरना बंद कर दिया। मैं भी काली मस्जिद में नमाज़ पढ़ता था, वहाँ पे भी नहीं, इसी वजह से मैं नहीं जा पा रहा। हम सब घरों में नमाज़ पढ़ रहे हैं, जैसे प्रशासन कह रही है हम उसकी डायरेक्शन में रहते हुए वो कर रहे हैं। हमारे पास इसका सबूत भी है मरकज वालों के पास, और थाने के अंदर भी जिस तरीके से प्रशासन ने कहा उसी हिसाब से इस लॉकडाउन को कामयाब बनाने की कोशिश करी जा रही है, हर तरीके से सहयोग दिया जा रहा है। बाकी मजबूरी है, पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में जब आफत आई भी है तो इसको मरकज को गलत तरफ जो मोड़ना बिल्कुल गलत है। कुछ लोग इसको गलत दिशा में ले आने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत है, मैं इसका खंडन करता हूँ। और हमारे ADM साहब भी आए थे कल की डेट के अंदर यहाँ पे, जैसे उन्होंने डायरेक्शन दी उसके हिसाब से करा। यहाँ पुलिस को, डॉक्टरों ने जैसे भी आन करके यहाँ पर हो रहा है, और कुछ लोगों को रात भर यहाँ पर ले आ करके कहाँ पर ले आकर रखा है उसके विषय में भी हमें चिंता हो रही है, वहाँ किस तरह से रख रहा है, क्या करना है। तो इसको गलत तरीके से नहीं, यहाँ पे तो हमेशा से होता हुआ आया है, आज 60-70 साल से ये काम तो डेली होता है, 2-2.5 हज़ार आदमी आते हैं। और ये हुकूमत ने जो बुलाया है, हुकूमत वीजा देती है, इसी वजह से तो आते हैं यहाँ निजामुद्दीन के अंदर। तो इनको बेचारों को क्या ज़रूरत पड़ी है यहाँ पर अपने घर को छोड़ करके यहाँ आने की, अपना किराया लगाते हैं, अपना जान माल लगा करके यहाँ लगाते हैं। और गवर्नमेंट को भी किराया भाड़ा, इतना पब्लिक जब आ रही है, हुकूमत को भी टैक्स कितना फ़ायदा होता है इसका, उनके आने से जाने से कितना बिजनेस बढ़ता है। और इसको गलत तरीके से जो मोड़ा जा रहा है, बिल्कुल इसको गलत, मैं इसका खंडन करता हूँ। मरकज को मरकज के तरीके से ही देखा जाए, अच्छी तरह जब मैसेज जा रहा है तो इसको अच्छा मैसेज ही आगे बढ़ाया जाए। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस निजामुद्दीन मरकज को लेकर हाय तौबा मच रही है, उस मरकज और हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के बीच सिर्फ एक दीवार का फासला है, सिर्फ एक दीवार का। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, अब आप इस फासले को देखकर खुद फैसला कीजिए कि कहीं निजामुद्दीन मरकज के बहाने एजेंडा तो सेट नहीं किया जा रहा, या कोरोना के खिलाफ सरकारों की युद्ध स्तर तैयारी की खामियों पर पर्दा डालने की कोशिश तो नहीं की जा रही। इसके साथ ही आज के सवालों को आप दूसरों तक और प्रशासन तक पहुंचाइए।
द शूद्र के माध्यम से। साकिब को दीजिए इजाजत, नमस्कार। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।